जड़ नूं सींचना चाहुंदा। बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े मीह दे पत्थर हुण अगर तुसीं के पी भाजी दा परिवार इधर बैठे ने इन्हां नूं देखो ते 8 MLA शिपिंग 1 MP शिपिंग इन्हां दे फादर साहब और इन्हां ने और मंत्रालय पता नहीं किन्नी वार लगदा 5 वार 10 साल ठीक है जी इन्हां ने ते फादर कोई भी वजह नहीं है कि एक घर बैठा। देखो पार्टी लई एक चीज़ बड़ी माड़ी हुंदी है कि कोई रुस जाए थोड़ा चंगा तकड़ा वर्कर अभी वर्कर ही हाँ ठीक है कि नहीं थोड़ा चंगा वर्कर रुस जाए तो उस तो भी खतरनाक चीज़ है कि जिहड़ा थोड़ा कार्यकर्ता जिहड़ा थोड़ा नींह दा पत्थर है रुस के घर पै जाए ये बड़ी खतरनाक गल है। मैं रास्ता भी करूँगा इनवॉल्वमेंट भी इन्हों की होगी। कई लोग मौका प्रस्त होंगे वो जो औखा टाइम होंगे ना उदो दौड़ जाते तो फिर वो थाव भी बड़िया खाली करके जाते और यह जे लोगों के लिए जिन्ना किया जाए उन्ना घट ये साड़ी शान। तुसी कदे भी जड़ नूं सींचे बिना पेड़ हरा भरा नहीं रख सकते। तुसी नीह तो बिना कोई इमारत नहीं बना सकते। अंग्रेजी की कैडेज है रिवर्स नीड स्प्रिंग्स बिल्डिंग्स नीड फाउंडेशन। मैं कांग्रेस दियाँ नीहां जड़ियाँ ने उन्होंने तगड़िया करना और मैनू बदले चाहिए तक समझ। और एक चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। देखो अहदियां की गल नहीं कर रहा मैं इन्हों के घर बैठा क्यों क्योंकि लीडर अहदियां के नाल नहीं होंगे। लीडर हमेशा क्रेडिबिलिटी ना होंदा किरदार ना होंदा। ये दो चीज़ां लब्भे लभदियां नहीं क्रेडिबिलिटी और किरदार। जदों तुसी किसे दा किरदार देखोगे किरदार कोई एक दिन दे विच दो दिन दे विच तो बन नहीं जाता किरदार बनता 10-15 साल 20 साल विरासत देखने। अजकल पॉलिटिक्स दे विच इन्ने शॉर्टकट आ गए ना इन्ना झूठ आ गया कि वो इंस्टेंट कॉफी पेश करते और लोगों का मूर्ख बनाई तुरी जाते बाद फिर पछताते। जे किरदार देखे हो ना वचनबद्धता देखी होवे और ईमानदारी देखी होवे तो फिर बंदा धोखा नहीं खाता। इस करके मैं उस जड़ नूं सींचन आया जिन्हों कई लोग दीमक लाना चाहते। ये पार्टी देश नूं आजादी देने वाली पार्टी है मित्र प्यारे। कोई नमक की डली नहीं भी समुद्र नापन गई तो सवेरे उत्ते ही खुल गई। इस करके इत्थे ये नहीं है भी इट चको कांग्रेसी इट के उत्ते भी कांग्रेसी पुराने वर्कर जदों तुसी उन्हां च अलख जगाओगे जदों तुसी उन्हां च स्वाभिमान जगाओगे तो पार्टी अपने आप खड़ी बनेगी। बाकी रही मेरे खिलाफ बोलने की कोई भी मैं वो आमंत्रण दें फिर भी गल नूं लाओ क्योंकि मेरे बारे कुछ भी बोलने नाल मैं गल्लां नहीं मेरी गल समझो छोटिया छोटिया गल्लां दी लड़ाइयां छड्डिए ते पंजाब दी अगली पीढ़ी नूं बचाउण दी गल करिए। पंजाब दे गुरुआं पीरां दी धरती इत्थे अमन मान रहा है इत्थे बिजनेस रहा है। शहर की चाहुंदा है अमन मान शहर की चाहुंदा है बिजनेस शहर की चाहुंदा है कोई भय नहीं कोई सहम नहीं। इस करके 100 मण दुध च खट्टा पाने की कोशिश की जा रही माहौल बिगाड़न की कोशिश की जा रही क्योंकि दिखाण नूं कुछ है नहीं समझे नहीं लेकिन लोग समझते लोग मॉलों जिहड़े गाहक चाहते है जिहड़े बिजनेस चाहते है वह सब समझते हैं उन्होंने पता लगता सारा कुछ। इस करके इस सरकार नूं जवाबदेही बनाने वास्ते कुछ कड़े सवाल करने पैणे। ये तो बेपैंदी के लोटियां वाग किधर नूं जांदे आ ना पता ही नहीं लगता समझते नहीं। इस करके अज भी मैं सवाल किया मैं जवाब नहीं मिले ये मैं करता रहूँ लेकिन अज इत्थे के पी भाजी के घर यही गल मैं करनी सी
ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜਨ ਸੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਡਾਲ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਫਿਰ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਜੜ ਸੀਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦੀਦੀ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵ ਐਮ ਐਲ ਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 30 ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ